मैं नहीं चला रहा, मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं चलाना, मैं चलाऊंगा ही नहीं। चले ना सोन पापड़ी, किस खुशी में? इस बाइक तो तंग करती है यार, और सारी खुशबू खत्म करके वापस रख दे रही है यहाँ पे। चाचा का लौंडा हुआ है अरे भैया जा रहे हैं भयंकर हमसे आगे धुर्राटे काटते हुए। अलसी से भी भाई अगर डिस्बैलेंस हो जाए ना, मैंने तुम्हें वाटर पार्क के बारे में बताया था ना, ये देख लो ये रहा वाटर पार्क, कहीं पे बात हो दोनों लोग चपेटे में आ जाते हैं। सो गाइस फिलहाल अभी अपन लोग घर से निकल चुके हैं, एंड अभी मैं भैया और हिमानी हम तीन लोग जा रहे हैं, एंड अभी अपन लोग जा रहे हैं भाई रिलायंस। हम लोग है ना अभी दो तीन दिन पहले मैं और पापा गए हुए थे काठगोदाम सामान लेने के लिए, तो उधर अपन लोगों को ना थोड़ा सामान नहीं मिला, थोड़ा क्या हमारे मतलब का जितना भी सामान था ना कुछ नहीं मिला। तो अभी अपन लोग हम दोनों जा रहे हैं, एंड अभी सौरभ भैया अल्मोड़ा गए हुए थे तो वो अभी आए उनको लेके आए मैं, तो मैंने उन्हें कहा कि आप भी चल लो, तो भैया भी हमारे साथ आ रहे हैं। चचा भाई चिचा है ना मजे से खड़े भयंकर डंपर देख रहे हैं भयंकर, बाकी कोई गाड़ी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, हम तो डंपर देखेंगे। अभी ये बिना हेलमेट के मेरे पीछे बैठी हुई है, ये चीज़ बहुत रिस्की होती है, बट यार ये लोग ऐसे समझते नहीं है, तो हम क्या ही बोले अब इन लोगों को, बार बार एक बार बोलो दो बार बोलो बस तीसरी बार से मैंने बोलना ही छोड़ दिया है। सौरभ भैया भी आ चुके हैं अपनी बिल्लो रानी पे, मतलब भैया की बिल्लो रानी, हमारी बिल्लो रानी घर पे ही है। एंड कुछ इस तरह का मौसम हो रहा है भाई, अभी धूप देख रहे हो भयंकर, मतलब है ना बहुत सही हो रहा है मौसम, मतलब जैसा भी है भाई एक नंबर मौसम है। एंड अभी तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, अभी से है ना 15-20 वीडियोस पहले मैंने तुम्हें वाटर पार्क के बारे में बताया था ना, ये देख लो ये रहा वाटर पार्क, पूरे हल्द्वानी में कोई भी वाटर पार्क नहीं है, ये फर्स्ट वाटर पार्क है जो बन रहा है, वो भी हमारे घर के पीछे ही है। तो अभी 9 तारीख को इसकी ओपनिंग है, तो भयंकर उस दिन जाएंगे मस्त से एकदम डुबकियाँ मार के आएंगे भयंकर पानी में। मैंने ना अपने लिए स्विमिंग किट भी मंगा लिया है, एंड भाई को देख रहे हो भाई एक नंबर देख रहे हो भाई, मस्त है ना साइकिल को चलाते हुए आ रहा है खड़े होके भयंकर। तो अभी आ चुके हैं अपन लोग इस पतली सी भयंकर वाली रोड पे, बहुत टूटी हुई थी भाई ये 2 महीने पहले, बट ठीक कर दी है हल्द्वानी की मोस्टली सड़कें है ना काफ़ी अच्छी कर दी है, तो अभी बहुत मज़ा आता है यहाँ पे राइड करने में। अगर अभी भी हमारे पास ड्रोन होता ना भाई तो इतना मस्त व्यू आने वाला था ना, उसको यहाँ से ऐसे ऊपर को उठा के ले जाते भयंकर मज़ा आ जाता। एंड भैया भी हमारे पीछे पीछे को चल रहे हैं, तो अभी अपन लोग इस वाले रास्ते चलते हैं मेन हाईवे पे, एंड उसी रास्ते निकलेंगे क्योंकि यहाँ से जाएंगे ना तो भाई बहुत टूटी फूटी रोड है, तो इधर से चल रहे हैं। ओ भाई भाई डरा दिया भयंकर, मुझे लगा कोई गाड़ी आ रही है भाई। पहले ना हमारी बिल्लो लाइन पे भी सेम हॉर्न लगा हुआ था, बट उसके बाद है ना मैंने वाला हॉर्न हटा दिया भाई, क्योंकि है ना उस पर ना चलान हो जाता है, तो इसकी वजह से अपन लोगों ने उसे हटा दिया इसमें से। एंड गाइस मैंने ना अभी अपने गोप्रो को चार्ज लगाया हुआ था, एंड मम्मी ने पता क्या करा भयंकर, मम्मी ने ना बटन बंद कर दिया, मैंने ना इसको एक्चुअली एक्सटेंशन पे चार्ज लगाया हुआ था, तो मम्मी ने ना मेन स्विच बोर्ड से बटन बंद कर दिया, इसकी वजह से ना भयंकर मेरा गोप्रो चार्ज नहीं हुआ, मतलब है ना रत्ती भर चार्ज नहीं है इसके अंदर। तो अभी देखो अच्छा हुआ भाई बाइक पे ये होल्डर लगा हुआ है जिसकी वजह से चार्ज हो रहा है अभी, नहीं तो भाई आज का ब्लॉग नहीं बन पाता। वैसे है ना मैं सुबह ब्लॉग करने का सोचा था, बट है ना जैसे ही मैं सुबह सो के उठाना भाई, इतना परसों भी नहीं सोया हुआ था ढंग से, एंड कल सुबह 5 बजे चले गए थे अपन लोग ब्लॉग करने के लिए, तो उसकी वजह से ना मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी, और ऊपर से मुझे जुकाम इतना ज़्यादा लग गया ना भाई, तो सुबह मेरे ना बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई ब्लॉग करने की। एंड इतना बड़ा ट्रक ट्रेस पतली सी रोड पर लेके आ गए भयंकर। तो भाई फिर मैं पापा के साथ गया तो था सुपर मार्केट, तो मैं ऐसे वहीं से मतलब अपना काम एक दो काम थे वो निपटा के हम लोग घर आ गए, तो उस समय मैंने ब्लॉग नहीं करा, बट मैंने सोचा था कि शाम को करूँगा। तो अभी जैसे घर आए तो फिर हिमानी ने कहा कि मेरे को रिलायंस चलना है सामान लेने के लिए, मैंने कहा चल लेते भाई ब्लॉग बन जाएगा अपना मस्त सा, ये वाली रोड पर इतना मज़ा आ रहा है भाई चलाने में, एंड इसी स्पीड पर चलो भाई 36-40 की स्पीड पर चलो, मस्त मज़ा आता है भाई। ये देखो ऐसा लग रहा होगा तुम्हें कोई ये गाँव वाला एरिया, लेकिन भाई ये गाँव वाला एरिया नहीं है, बस यहाँ से ना बस मेन रोड आने वाली है, मेन हाईवे आने वाला है बस, तू है ना एक पकड़ के बैठ जा गिरेगी किसी दिन बहुत जोर से। भाई मेरे को हाइड्रा को चलाने में इतना मज़ा आता है ना भाई, बट इसके पीछे बैठने में मज़ा नहीं आता, जब कोई और चला रहा होता है और मैं पीछे बैठता हूँ ना भाई तब मुझे बिल्कुल बेकार लगता है, क्योंकि सीट बहुत चुपती है भाई पीछे वाली, और तो कोई दिक्कत नहीं बस सीट है ना बहुत ज़्यादा चुपती है भाई, पिछवाड़े भयंकर सुन हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अरे यार प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट जो बच्चे पढ़ाई करते हुए आ रहे ट्यूशन से, सही है भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ाई वढ़ाई करो IAS IAS बनो, हम तो भाई ऐसे हैं आवारा से घूमने वाले। एंड अभी भाई भी अचानक से आ गया भाई साइड से साइकिल लेके, बच गया चलो कोई बात नहीं। ऐसे ना छोटे छोटे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं भाई मेरे साथ रोड में, अभी तुमने परसों वाला ब्लॉग देखा होगा उसमें ना मैं स्पीड में था, एंड बच्चा अचानक से आगे आ गया, मतलब बच्चा इधर आया उसका दोबारा पीछे हो गया, अच्छा भाई सामने नहीं आया, उसमें मैं निकाल तो लेता हूँ बाइक साइड से, बट कभी भाई गलती से भी भाई अगर डिसबैलेंस हो जाए ना दोनों में से एक को, तो भाई बहुत जोर से ले गया, कई कई बार तो भाई दोनों लोग चपेटे में आ जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है रास्ते में। एंड ये हाईवे देख रहे हो तुम लोग, ये हाईवे ना यहाँ से इस तरफ से रामनगर को जाता है, एंड इस तरफ से आगे रामपुर को जाता है, मतलब दोनों तरफ से ना सेम जगह को भी चले जाता है घूम फिर के, भाई एक दो कट होते हैं रोड के बस, तो एक दो कट है जो मिल जाते हैं आगे जाके सेम रोड पे, तो पता है भाई ये वाली रोड ना यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी होकर बैठे ना थोड़ा सा आगे जाके है ना काफ़ी ऐसा ये वाली रोड, मैं उधर रामनगर गया था ना बिल्लो रानी पे मैं और सौरभ भी गए थे, तो काफ़ी सही थी रोड,
एंड ये जो सामने तुम चौराहा देख पा रहे होगे, यहाँ से भी हमारे पहले ना हम लोग इसमें इसी रास्ते से आने वाला था, जो मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि हम लोग आगे से भी जा सकते हैं, उस वाले से हम लोग गए नहीं क्योंकि भाई ये बहुत टूटा हुआ है भाई। एंड हाइड्रा से ना हम लोग ज़्यादा ऑफ रोडिंग करते नहीं भयंकर। एंड अभी तुम्हें मेरी आवाज़ देख के पता लग रहा होगा भाई कि मुझे जुकाम लगा हुआ है भयंकर, नाक बंद हो गई है। एंड हेलमेट पहन के एंड मास्क लगा के तो भाई बिल्कुल ही आवाज़ बंद हो जाती है। एंड अभी इस वक्त मैं ना हैंड मास्क भी नहीं पहन के आया हूँ, सिंपल ऐसे ही आ गया पलो हाफ स्लीव टी शर्ट में, तो क्योंकि है ना अभी इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं है कि टैन हो जाएंगे बट। एंड वैसे पूरे रास्ते में भाई पेड़ ही पेड़ है तो है ना पूरे रोड में छाया ही छाया है, धूप तो दिख भी नहीं रही। एंड ये भैया जा रहे हैं भयंकर हमसे आगे धुर्राटे काटते हुए, ओम फोर धुर्राटे काट रहे हो। एंड तो भाई फाइनली हम लोग सो गाइस पहुंच चुके हैं लोग रिलायंस मॉल, देख सकते हो तुम लोग मतलब हमारे घर से ना बहुत पास है ये, बहुत पास तो खैर क्या ही है मतलब 5 किलोमीटर होगा मुश्किल से, हाँ 5 किलोमीटर है। तो अभी फटाफट से इसको अंदर डालते हैं मैन, एक ने पता यहाँ पे ना एक वो छोटा सा खरगोश मेरे बाइक के नीचे, अब छोटा सा है ना डॉगी मेरे को, छोटा सा डॉगी है ना मेरे, छोटा सा डॉगी है ना हाइड्रा के नीचे आने वाला था, अच्छा हुआ भाई बच गया। तो यहाँ से भाई इंडिकेटर देते हैं हमने तो भाई इसमें चमचम वाले इंडिकेटर लगा रखे हैं, सामने वाले और पीछे वाले को पता भी लगेगा हमने कहाँ मुड़ना है। तो अभी अपन लोग इस तरफ को मुड़ लेते हैं भाई। एंड ये भाई को देख रहे हो भाई बिना हेलमेट के भयंकर, मतलब एक तू तो भाई हेलमेट भाई दोनों में से किसने हेलमेट लगाया, ना आंटी ने लगाया ना भाई ने लगाया। तो अभी हाइड्रा को लगाते हैं यहीं कहीं पे और रिएक्शन नोट करते हैं मैन, यहीं पे लगाते हैं भाई मेरे, एक सेकेंड इधर लगाते हैं भाई हाइड्रा को, एकदम मस्त सी जगह लग रही है ये। एंड आज भीड़ बहुत ज़्यादा कम है, मतलब हम लोग को है ना मतलब पेमेंट जहाँ पे पेमेंट करनी होती है ना वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग आराम से मतलब पेमेंट कर लेंगे, नहीं तो भाई इतनी भीड़ होती है ना भयंकर। एंड अभी होप हमारा जो गोप्रो है काफ़ी अच्छे से चार्ज हो गया हो, मतलब 15-20% तो हो गया होगा, काफ़ी जल्दी हो जाता है चार्ज। तो फिलहाल अभी इस केबल को भी अंदर लेके जाते हैं भयंकर, क्या पता कोई निकाल के ले जाए भाई, यहाँ पे कुछ पता नहीं भाई कब क्या हो जाए। देख रहे हो तुमको ना कोई फैक्ट्री जैसी लग रही है बट ये फैक्ट्री नहीं है, ये मॉल है अंदर से। तो ये गाइस यहाँ पे कुछ कपड़े देख रही है, उन्होंने कहा था कि कैमरा अलाउड नहीं है बट मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। देख रहे हो भाई हमारी चौड़ है भयंकर, कौन सी तुम्हें मेरी टी शर्ट अच्छी लग रही है, मेरी वाली। सो गाइस इसको ना मेरी वाली टी शर्ट अच्छी लग रही है बट ये 100 रुपये वाली है, ये मैंने वीमार्ट से खरीदी थी, अगर तुम्हें खरीदनी है तो तुम खरीद सकते हो 100 रुपये में। तो ये 100 रुपये वाली दिलवाता हूँ ना, चल वीमार्ट चल 100 रुपये मिलेगी। ये देख रहे हो भाई ये 500 की भयंकर चावड़ी बाजार में ना 10-10 रुपये में मिलती है ये। अभी है ना यहाँ से हम लोगों ने मेन चीज़ लेनी है फेस वॉश लेना है एंड एक बॉडी स्क्रब लेना है। तो पिछली बार तो मैं ये वाला लेके गया था चारकोल फेस वॉश, एक नंबर है, तो अभी ये वाला ही देखते हैं। बाकी मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का, वैसे ही बता रहा हूँ ठीक है ऊपर ऊपर से। सो गाइस हम लोग यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या लें, 10 बार ये फेस वॉश सूंघ सूंघ के रखते जा रही है वहाँ पे, इसने एक भी पसंद नहीं किया, सबकी खुशबू सूंघ के ना सारे जितना फेस वॉश में खुशबू है ना सब खुशबू सूंघ ले रही है और सारी खुशबू खत्म करके वापस रख दे रही है यहाँ पे। तो अब ये कोई रिलायंस मॉल से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो आप ऐसे लोगों को मतलब भारी चेकिंग करा करो इनकी। सो गाइस दोबारा हम लोग यहीं पे आ चुके हैं एंड वापस से यहाँ पे हम सारे परफ्यूम्स को ट्राई करेंगे एंड सबकी खुशबू लेंगे एंड उसके बाद बिना कुछ खरीदे घर को चल देंगे। तो अभी भाई मुझे मिल ही नहीं रहा भाई फेस वॉश ढंग से भयंकर, देखते हैं बाकी लेकर तो जाएंगे भाई आए हैं तो। सो गाइस अभी फिलहाल मुझे ना बहुत ज़्यादा मुशक्कत के बाद ये एक फेस वॉश मिला, इस बार अपन लोग है ना पार्क एवेन्यू वाला ट्राई करते हैं, काफ़ी टाइम से मेरे पास ना निविया मैन का ही है चारकोल वाला, तभी देख रहे हो मैं कितना गोरा दिखता हूँ भयंकर वीडियो में। तो है ना इस बार अपन लोग पार्क एवेन्यू का देखते हैं, ये पता नहीं कौन सा है, परफेक्ट 10 प्योरीफाइज एंड नरिशेस, तो ये देखते हैं इस बार कितनी नरिशमेंट देता है फेस को, बस तो बहुत सारी है बाकी देखते हैं भाई। तो इस बार ये वाला ट्राई कर रहे हैं एंड देख रहे हो जो लोग बोलते हैं ना भयंकर हेलमेट को हाथ पे रखने में दिक्कत होती है, तो हेलमेट है ना इस काम आता है, देख सकते हो तुम लोग भयंकर सारा सामान जो है ना हमारा हेलमेट के अंदर है। हाँ ये जूना बोलते हैं इसको, इससे ना मैल निकालते हैं शरीर का घिस घिस के। चले ना सोन पापड़ी किस खुशी में, चाचा का लौंडा हुआ है मेरे चाचा ही नहीं है। सो गाइस इसके चाचा का लौंडा हुआ है, मतलब इसके चाचा मेरे चाचा, तो हमारे तो कोई चाचा ही नहीं है। ओ फक फिलहाल मैंने पेमेंट यहाँ पे कर दी है, कार्ड देख रहे हो मेरे पास भयंकर, ये देखो पैसे की कमी नहीं है, कार्ड सारे हैं पर पैसे एक में भी नहीं है, पर ये देख लो पैसे तो है ही नहीं भयंकर सर, ये पर्चियाँ पर्चियाँ बैंक की डाल देते हैं, पिन मत देख रहा भाई बहुत पैसे इसके अंदर। तो गाइस पहले हम लोग सामान लेके बाहर आ चुके हैं, ये हो जाता है पहली बार होता है तो हो जाता है, कोई दिक्कत बात नहीं, मतलब अभी हम लोग सामान लेकर तो बाहर आ चुके हैं पर भाई अब एक टास्क है कि उसको लेके कैसे जाएं, क्योंकि हम लोग आए हैं हाइड्रा पे एंड 100 रुपये के सूट में जितना आप आएगा उतना घुसेड़ देंगे उसके अंदर, बाकी जितना नहीं हो पाएगा उतना हमें बैग में डालेंगे। लेकिन है ना मैं बैग नहीं लेके आया, मुझे बैग लेने वहाँ से फिर अंदर जाना पड़ता है, लग रहा है टोकन पड़ा है मेरे पास, लेके आता हूँ बैग। तो गाइस फिलहाल अपन लोग निकल चुके हैं मॉल से एंड अभी अपन लोग चल रहे हैं ऊंचा पुल, अभी अपन लोग है ना रॉन्ग साइड पे हैं, तो अभी फटाफट से भाई इसको राइट साइड पे डालते हैं। एंड अभी गाइस मैंने इसमें ना ये वाला मोड ऑन कर दिया है जिसमें ना ब्लिंकिंग है ना इसे एकदम चलती रहती है,
क्या बात है भाई, मस्त लग रहा है। एंड देख रहे हो यहीं से ऊंचा पुल जाने का एकदम शॉर्ट रास्ता, यहाँ से चल लो अंदर को भयंकर। तो अभी हम लोगों का जो सामान है ना थोड़ा सा बैग में आ गया है, आधा भैया की डिग्गी में डाल दिया है सामान, सारा सियाड हो चुका है। एंड चीचा लाठी लेके कहाँ चले आराम से, मैं नहीं चला रहा, मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं चलाना, मैं चलाऊंगा ही नहीं इस बाइक, तो तंग करती है यार, मैं नहीं चला रहा। तो भाई देख रहे हो भयंकर तंग कर देती भाई, ये पीछे बैठी होते ना भयंकर तंग कर देती, मन नहीं करता मेरा चलाने का, जाओ मैं नहीं चला रहा। बढ़िया, मैं उतर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ वहां से। वही तो, हाँ भाई इसका वेट भी ज्यादा है ना, अगर मैं ऐसे थोड़ा हिल डुल गया, और ये अगर देखो भाई अगर मैं तो हिल डुल जाऊँ ऐसे कुछ नहीं होगा, देखो नहीं अगर ये हिल डुल गई ना तो या तो यहाँ जाएंगे यहाँ या यहाँ या यहाँ, कहीं भी जा सकते भाई। तो अभी कितना प्यारा रोड है, मैं नहीं है एंड बच्चे को देख रहे भाई कितना मजे से साइकिल चला रहे हैं। जब अपन लोग होते थे ना इतने छोटे छोटे, तो मेरे पास ना एक साइकिल होती थी, वो भी भाई मैंने किससे खरीदी थी, मतलब वो भी मेरी अपनी नहीं थी, मतलब किसी से खरीदी थी, उसको चलाते थे हम लोग ऐसे 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 करके, भयंकर मजा आता था। ये चलाती थी, मैं पीछे बैठता था, पीछे वाले टायर पर नहीं बैठता, मतलब पीछे वाले कैरियर लगा होता था वाली साइकिल पे, तो उस पर बैठता था मैं। लेकिन भाई ऐसा नहीं है भाई, वो टाइम था वाला, उसके बाद गए तुम्हारे भाई ने ना भयंकर फैट बाइक ले रखी थी, इतने मोटे मोटे टायर थे उसके, इतनी हाइड्रोजन टायर थे भयंकर, वो मैंने बेची थी, सिर्फ चार दिन चलाई है वो भी एक महीने में एक बार, एक महीने में एक बार, एक महीने में एक बार और एक महीने में एक बार, चार बार चलाई खत्म। उसके शिफ्टर विफ्टर में ना भयंकर जंग लग गया था। देखो भाई जो एज्ड पीपल होते हैं ना, वो थोड़ी है ना ऐसे डर डर के स्कूटी चलाते, देख सकते हो तुम लोग ऐसे एकदम। एंड एक हम लोग हैं भयंकर एकदम ना ऐसे सांप बनाते भयंकर रोड पे। एक सेकंड देखो भैया का स्टैंड ओपन है, अभी इनकी हेल्प करते हैं। अंकल यानी भैया स्टैंड ओपन है आपका, ओके ओके भाई। लेकिन भाई ने ना पान खाया हुआ था, बोल रहे थैंक यू भैया जो जी हो जाओ। जब भी मैं हाइड्रो को लेके निकलता हूँ ना, वैसे इसमें बहुत सारे पब्लिक रिएक्शन मिलते हैं क्रेजी से। एंड अभी ब्लिंकर्स लगवाने के बाद तो भाई और भयंकर पब्लिक रिएक्शन आ रहे हैं, पहले से भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है अपनी हाइड्रो। एंड है ना लोग है ना इसकी तरफ को ना देखे जा रहे हैं भयंकर, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रही है ये। तो फिलहाल पहुंच चुके हम लोग अब पीछे के साइड से ऊंचा पुल, एंड अभी यहाँ चलते हैं। अरे भाई कुछ नहीं खाया सुबह से, मैगी खाई है बस, भयंकर व्रत इन लोगों का, भयंकर भूखा मैं बैठा हूँ यहाँ पे। हाँ तो भाई आज इसने व्रत तोड़ दिया, बोलती मैं 9 दिन करूंगी, उसका इसको लग गई भयंकर आज भूख, तो इसने व्रत तोड़ दिया। मेरे उठने से पहले मैगी खा रही थी मेरे, जब तक मैं उठा ना भाई मैगी खा रही थी वहाँ बैठ के। अभी देखो गाइस यहाँ पे बच्चों के जो रिएक्शन होंगे ना एक नंबर, देखते जाना बस। ये देख रहे हो तुम लोग एक नंबर। अभी गाइस हम लोग आ चुके हैं भाभी के वहाँ, तो अभी है ना हम लोगों का मूड कर रहा है कि हम लोग आइसक्रीम खा के हैं, लेकिन भाई मेरे को लग रही है बहुत ज्यादा भूख, तो सबसे पहले हम लोग खाएंगे मोमोज एंड कुछ पेलते ऐसे तड़कता फड़कता, उसके बाद खाएंगे भयंकर आइसक्रीम। एंड अभी यहाँ पे चल रही है डिस्कशन, भाभी ने बस एक बार बोला कि आइसक्रीम खाते हैं, एंड ये फिर हमारी कोई और बात चलने लगी, तो तब से है ना 10 बार बोल चुकी कि आइसक्रीम नहीं खानी। सुबह तो इससे व्रत किया नहीं गया, मेरे उठने से पहले मैगी पेल रही थी वहाँ पे। मतलब देखो मैं कल रात देर में सोया था एडिटिंग करके, तो जैसे मैं सुबह उठा मतलब मुझे मम्मी बोलती कि उठ जा खाना खा ले फिर उसका फिर सो जाना, तो फिर मैं फिर मम्मी भी बड़ी चालाकी से मम्मी ने बोला कि उठ जा फिर खाना खा फिर सो जाना, मतलब कि मम्मी को पता है कि अगर मैं उठ गया तो उसका सोऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी मम्मी ने बोला बट इट्स ओके। तो फिलहाल जब मैं उठा ना मेरे उठने तक ये बैठ के वहाँ मैगी पेल रही थी, एंड मुझे बोलती आजा तू भी खा ले, तो मैं बोला था भाई तेरे तो व्रत थे, तो बोलती हाँ ठीक है मतलब व्रत थे आज मैंने नहीं किया, अब ये कल फिर कर लेगी। तो भाई बताओ ये कोई बात होती है, बताओ देखो भयंकर ऐसी नवरात्रि को हल्के में ले रही है ये। सो भाई फाइनली बकचोदी करने के हम लोग आ चुके हैं नीचे, एंड तो भाई अभी ब्लिंकर्स देखो क्या मस्त लग रहे हैं भयंकर। एंड अभी शाम भी हो चुकी है तो घर चलते हैं भाई, आजकल बाघ हो रही है भयंकर, यहाँ पे पता लगा बाघ ने पकड़ लिया रास्ते में, तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। सो भाई शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 7 बजने वाले हैं, तो अभी फिलहाल अपन लोग चल रहे हैं गगन स्ट्रीट पे, थोड़ा कुछ खा पी के आते हैं भयंकर, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सो भाई अभी फिलहाल पहुँच चुके हम लोग गगन स्ट्रीट पे, एंड ये ब्लिंकर्स अभी भी चल रहे हैं, क्या बात है भैया को देख रहे हो कितने गोरे लग रहे हैं भयंकर, क्या हाल है भाई के। दोनों